सलार के ट्रेलर को 24 घंटे में मिल गए इतने मिलियन व्यूज, किंग खान की डंकी भी रह गई पीछे। दिसंबर का महीना बॉक्स ऑफिस के लिहाज से बेहद खास है। फिलहाल एनिमल और सैम बहादुर 1 दिसंबर को रिलीज हो चुकी है। एनिमल ने 2 दिन के अंदर 129 करोड़ रुपए का आंकड़ा भी पार कर लिया है। अब प्रभास की सलार और शाहरुख खान की डंकी 22 दिसंबर को क्लैश हो रही है। अब सभी की निगाहें इस बात पर है कि दोनों में से कौन सी फिल्म बाजी मारेगी, लेकिन ट्रेलर व्यूज के मामले में प्रभास ने शाहरुख खान को पछाड़ दिया है। हाल ही में सलार का ट्रेलर रिलीज हुआ, जिसने 24 घंटे में जबरदस्त व्यूज हासिल किए। वहीं शाहरुख खान की डंकी के टॉप 1 को इतने व्यूज नहीं मिले। हालांकि डंकी का ट्रेलर अभी आना बाकी है। प्रशांत नील के सलार के ट्रेलर को 24 घंटे के अंदर 54 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। इसके साथ ही यह टॉप 10 में शामिल हो गया है। डंकी के 1 मिनट 48 सेकंड के प्रोमो को 1 महीने में 50 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। इस लिस्ट में प्रभास की 2 फिल्में शामिल है। सलार से पहले वो आदि पुरुष में नजर आए थे और ये फिल्म ट्रेलर व्यूज के मामले में दूसरे नंबर पर थी। हालांकि ओम राउत द्वारा डायरेक्टेड आदि पुरुष शानदार नहीं रही। अब देखना यह है कि प्रभास की ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा पाएगी या नहीं। मैं वैष्णवी श्रीवास्तव, कैमरामैन वसीम के साथ वी हुआ।